साइट पर काम करने वाले लेबर। ये रिपोर्ट देखिए आप। आम्रपाली और सुपरटेक बिल्डर से सिर्फ घर खरीदार ही नहीं परेशान है, कंस्ट्रक्शन कराने वाले ठेकेदार, लेबर और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स भी रोड पर आ गए हैं। दोनों बिल्डर्स की नोएडा में ज्यादती इतनी बढ़ गई है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। बदमाश बिल्डर अनिल शर्मा कानून को जेब में लेकर घूमते हैं। शासन प्रशासन आम्रपाली बिल्डर की मुट्ठी में है। पुलिस प्रशासन ने दोनों के सामने सरेंडर कर दिया है। दोनों पर कई FIR दर्ज हैं, फिर भी पुलिस हाथ डालने से डरती है। जबकि शव मिलने से अनिल शर्मा और आरके अरोड़ा दोनों शैतान बन गए। बकायेदार जब अनिल शर्मा और सुपरटेक बिल्डर आरके अरोड़ा से रकम मांगते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। आम्रपाली और सुपरटेक दोनों मालिक बहुत ही बदमाश किस्म के लोग हैं, जो कि हमारा पैसा 1.5 करोड़ रुपए सुपरटेक पे है और 1.5 करोड़ रुपए आम्रपाली पे है। पिछले 2 साल से दौड़ा रहे हैं और वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप चाहे जहां चले जाइए पर पेमेंट नहीं देंगे और मिलते भी नहीं हैं। मैं DM के पास नोएडा के गया था, नोएडा DM ने डांट के हमको भगा दिया, कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, पेमेंट हम नहीं दिला सकते। आम्रपाली और सुपरटेक बिल्डर पर DSK कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का करोड़ रुपए बाकी है। कंपनी का मालिक उधारी चुकाते चुकाते रोड पर आ गया और जिन लेबर से KK जायसवाल ने अनिल शर्मा के प्लेटिनम और जोडियक प्रोजेक्ट पर काम करवाया, आज तक दोनों ने बकाया रकम नहीं चुकाई। सप्लायर अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। लेबर के बहुत कर्जदार हैं, हमने बहुतों को पैसा दिया हुआ है लेबरों का। मेरे पास एक प्लॉट था, वो बेच करके हमने लेबरों का पेमेंट किया हुआ है। लेबरों का और भी पेमेंट करना, जिनसे हमने मटेरियल खरीदा था नोएडा के अंदर, उनका डेली फोन आता है, वो कहते हैं पैसा दो दो या हम तुम्हें जान से मार देंगे। योगी सरकार बाहर पे ध्यान दे रहे हैं, पर हमने जो काम किया लेबरों से खून पसीना से काम जो किया है उस पर वो 1% ध्यान नहीं दे रहे हैं। DSK कंपनी ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। मंत्री राजभर ने साफ कहा कि ऐसे मामले अफसरों की मनमानी की देन है। पंचम तल के कुछ अफसरों ने सरकारों को हाईजेक कर लिया है। जितना अफसर बोलते हैं उतना काम होता है। इन अफसरों की तूती माया के राज से बोल रही है। 5-6 IS पंचम तल पे हैं, जो कल मायावती जी को घेरे थे, परसों अखिलेश जी को घेरे थे, आज वही इनको घेर लिए हैं। आई घेर के वो लोग सरकार चला रहे हैं, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह कम दाम में भी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुखी है, नेता दुखी है। आप टटोलिए उनके दिल की आत्मा से, पूछिए कि भाई विधायकों से मिलिए, जरा पूछिए कि आपके दिल में क्या दर्द है, तब वो बताएंगे। KK जायसवाल अकेले आम्रपाली और सुपरटेक की ठगी के शिकार नहीं हुए। ऐसे तमाम ठेकेदार हैं जो सरकार की ओर आस लगाए देख रहे हैं। सवाल यही है कि इनकी सरकार सूद लेगी तो कब। प्रदीप मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ।